हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ किचन से, और वो भी फुली फुली रोटियों के साथ। तो मैं बना रही हूँ नाश्ता। मेरे घर में सभी ने नाश्ता कर लिया है, और ये मैं सारे काम करने के बाद मैं खुद के लिए बना रही हूँ रोटी, और बच्चे लोग को भी फिर से दोबारा दे दूँगी एक एक रोटी। तो चलिए फटाफट से बना लेती हूँ मैं अपना नाश्ता, चाय और रोटी। मैं चाय रोटी मुझे पसंद है, तो मैं चाय रोटी खाऊंगी। तो चलिए फटाफट से बना लेती हूँ मैं। कैसा बनाया फ्रेंड्स? मैंने मेहंदी, बताइएगा। मुझे मेहंदी डिज़ाइन बनाना नहीं आता, पर कोशिश किया मैंने। कितना 5 बजा है, 5 बजे। तो फ्रेंड्स, आप सबने देखा आज मैंने मेहंदी लगाया। उसके बाद मैं आई हूँ सीता शाम का खाना बनाने के लिए किचन में। तो ये प्रीति भी है मेरे साथ, हम बात कर रहे हैं कुछ। तो ये मैं काट रही हूँ पटल, जो कि इस सीजन का फर्स्ट टाइम मेरे घर आया है पटल। तो चलिए बनाती हूँ फटाफट से पटल की सब्जी। और ये मैंने पटल को काट के धो लिया। उसके बाद मैंने 3-4 आलू उबाल लूँगी। उबाल के उसके बाद मैं आज बनाऊँगी पटल और आलू का दम, जो कि मेरे घर में सबको पसंद है पटल आलू का सब्जी। तो आज पहली बार आया है पटल इस सीजन में, तो थोड़ा अच्छा से बनाऊंगी मैं। तो मसाला देके तो मैं आलू को भी छील लेती हूँ, और मैंने मसाले रेडी कर लिया। देखिए, अदरक लहसुन छील लिया है और हरी मिर्च टमाटर सब रेडी कर लिया। उसके बाद मैं थोड़ा सा पटल को भून लूँगी पहले। मैं तो भून के अच्छा लगता है, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा भून लूँगी। उसके बाद ये मैं साथ साथ मसाले भी रेडी कर लूँगी, दोनों का मिक्स साथ। उसके बाद मैं प्याज भी कट कर लूँगी, टमाटर भी कट कर लूँगी। उसके बाद मसाला को भी मैं पीस ही लेती हूँ। उसके बाद ये देखिए, मैं मटर को थोड़ा अच्छी तरह से लाल लाल होने तक भून लूँगी, और मटर और आलू दोनों को भून लेती हूँ। ये देखिए, मेरा पटल हो गया, भून लिया मैंने परवल पटल। उसके बाद ये आलू को भी मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और ये देखिए, पाटला जैसा दिख रहा है, लेकिन ये आलू है, तो मैं इसे अभी फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद तेज़पत्ता, थोड़ा सा जीरा डाल के तड़का, उसके बाद मैं प्याज को डाल के भून लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरा प्याज भून रहा है, तब तक मैं आलू को भी दो दो टुकड़े में काट लेती हूँ इसी बर्तन में, चाकू से नहीं, ऐसे ही छुलने से ही काट लूँगी। उसके बाद प्याज को भूनूंगी अच्छी तरह से। और उस तरह मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटी को पढ़ाने के लिए सर आए हैं, तो उनको उनके लिए मैं चाय बना रही हूँ। तो सर को मैं चाय दे के आती हूँ। फोड़न अच्छी तरह से हो गया। उसके बाद मैं इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, ये हरा मिर्च ही है ना, इसीलिए ये ग्रीन हो गया है। और इसी में मैं टमाटर भी डाल दूँगी, और साथ में नमक डाल के इसे मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। और उसके बाद मैं सूखे मसाले भी, ये हल्दी, उसके बाद जीरा, गोल मिर्च और धनिया और लाल मिर्च पाउडर सब है। उसके बाद मैं इसे पानी में घोल लूँगी, उसके बाद डालूँगी। तो मैं अच्छी तरह से, अब मसाला को भूनना है बस, यही है। तो फटाफट से मैं मसाले को भी भून लेती हूँ। ये देखिए, तेल भी छोड़ दिया है, दिख रहा है। उसके बाद
अब मैं इसमें डाल दूंगी जो मैंने फ्राई किया हुआ है ना पटल और आलू, तो अब मैं डाल दूंगी। ये अच्छी तरह से भून गया, मैं टमाटर भी गल गया है, तो चलिए फटाफट से डाल देती हूँ, डाल के और फिर से भूनूंगी थोड़ा सा थोड़ा देर। तो ये बहुत अच्छी तरह से भुना मैंने, भुनने के बाद थोड़ा सा ढक दिया था, उसके बाद मैंने फिर से ढक्कन हटाया। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी पानी, जितना हमें ग्रेवी पसंद है, तो मैं थोड़ा सा ग्रेवी रखूँगी क्योंकि चावल रोटी के साथ खाना है, दोनों बनेगा। तो थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ उसी बर्तन में जिसमें मैंने आलू पटल रखा था, अभी मैंने पानी को गर्म कर लिया, फिर डालती हूँ। और ये देखिए मेरा सब्जी बन के रेडी है, और मैं थोड़ा सा उबाल लेती हूँ 4-5 मिनट तक। उसके बाद मैं गैस को बंद कर दिया और मैं इसे ढक दूँगी, उसके बाद निकाल लूँगी दूसरे बर्तन में। और ये थोड़ा कुछ टाइम के बाद और गाढ़ा हो जाएगा, इसीलिए मैंने उतार दिया और हो गया है। तो हो गया खाना, उसके बाद अभी खाना बाकी है, तब तक मैं 2-4 जो बर्तन हैं धो लेती हूँ और गैस को साफ़ कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने जो दिन में मेहंदी लगाया था, देखिए कैसा कलर आया है। अभी थोड़ी देर के बाद और ज़्यादा आएगा। और आज का मेरा बस यहीं तक, आप सबको कैसा लगा।